तेंदुए के हमले से निबोदा निवासी युवक की मौके पर मौत। बमौर कला थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच। खबर खनिया थाना से आ रही है, जहां खनिया थाना के अंतर्गत आने वाले थाना बमौर कला के ग्राम निबोदा में एक युवक सुबह लकड़ी काटने के लिए जंगल गया था। तभी जंगल में लकड़ी काटने के दौरान निबोदा के जंगल में एक तेंदुए ने अचानक युवक के ऊपर हमला कर दिया। हमला करने के बाद युवक अपने बचाव में भागा तो युवक पत्थरों में जा टकराया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों एवं चरवाहों के अनुसार बताया जा रहा है कि निबोदा के जंगल में पिछले कई दिनों से एक तेंदुए को देखा जा रहा है और उसने कई जानवरों को भी शिकार किया है, और ग्रामीणों ने इसकी सूचना फॉरेस्ट विभाग को भी दी थी, पर फॉरेस्ट विभाग ने कोई सर्चिंग अभियान नहीं चलाया, जिससे आज एक बड़ी अनहोनी हो गई है। फिलहाल ग्रामीणों ने तत्काल फॉरेस्ट विभाग को सूचना दी तो फॉरेस्ट विभाग भी मौके पर पहुंचा और फॉरेस्ट विभाग ने अपनी जांच शुरू कर दी है एवं बमौर कला थाना प्रभारी पुनीत बाजपेयी ने एक जांच दल बनाकर मौके पर भेजा और पुलिस विभाग भी अपनी जांच कर रहा है। फिलहाल युवक की डेड बॉडी के लिए बमौर कला पुलिस में खनिया थाना भेज दिया है और पोस्टमार्टम जारी है। चंद्रशेखर पुरोहित की रिपोर्ट। राम प्रकाश चतुर्वेदी। कहाँ के हैं आप? निबोदा के। ये एक डेड बॉडी लेके आए हैं, क्या है पूरा मामला? ये मेरे परिवार के भाई हैं। सुबह ये प्रातः काल 10 बजे के करीब नहाने के लिए झरना में गए, वहाँ शेर रहता है और शेर ने इनके ऊपर अटैक किया, इसके वजह से इनकी डेड हो गई। तो इनके शरीर से खून भी निकल रहा है? हाँ, खून निकला है, जैसे भी निकला हो, लेकिन अटैक शेर ने किया। तो ऐसा ये आपको कैसे पता पड़ा कि शेर ने अटैक किया है? चरवाहे थे छेरी चराने वाले, उन लोगों ने बताया कि इनके ऊपर शेर का अटैक हो गया और ये गिर गए, तो उनने फोन द्वारा माने हमें लोगों को सूचना थी, तो हम लोग गए, तब हमें इस चीज़ का पता चला। तो आप लोगों ने फॉरेस्ट विभाग को? नहीं, फॉरेस्ट विभाग को कहा, फॉरेस्ट विभाग आई, उनने जानकारी ली, अपना जो उनको लिखा पढ़ी करना थी वो करी, उसका अपन को किस प्रकार से की वो जाने। नाम है भैया? देवेंद्र चौबे। कहाँ के हो? निबोदा। ये आप एक डेड बॉडी लेके आए हैं, ये क्या है? ये मेरे पापा जी हैं और ये सुबह के टाइम घूमने मतलब खेत पे गए थे, तो वहाँ पे नहाने धोने के लिए झरना टाइप है, मैं जंगल है उस साइड, तो वहाँ पे गए थे, वहाँ पे एक शेर रहता है, ये सुना है, मैं तो गांव में रहता नहीं हूँ, पर गांव वालों सबको पता है वो रहता है, तो उनको भी पता था, लेकिन उसके उस वहाँ पे जब गए उसने एकदम से अटैक कर दिया उन पर, अटैक, हाँ अटैक किया तो एकदम भागे। अब उनके बचाव में ये पता नहीं है कि उसके अटैक से उनकी डेथ हुई है या पर उनके गिरने से। क्या नाम है भैया? मुरारीधर नाम है। ये आप एक डेड बॉडी लेके आए हैं, ये कहाँ से डेड बॉडी लेके आए हैं, क्या है पूरा मामला? ये मामला ये साहब के निबोदा से आए हैं, ये लगभग 11 बजे जंगल गए, जंगल जाने के इनके लिए शेर जो हमारे गांव पर डेली बच्चा बच्चे तोड़ता है, गांव के उसी जंगल के गांव से थोड़ा ही 2 किलोमीटर दूर है, 1.5 किलोमीटर दूर, तो ये महाराज को वो दिखाना, एक प्रकाश नाम का बागला देख रहा था पहाड़ पर, शेर नहीं थे, महाराज ने जानवर देखा, देख के वो भागे तो गिरे उठे और घुटनों में लगी, और मैं महाराज के महाराज रुको रुको महाराज थोड़ी दूर चले, ये यहाँ से सड़क है एक फल्लांग, और महाराज गिरे और बस वहाँ खून आया, पत्थरों पे गिरे, खत्म हो गए। पत्थर पे गिरने से मौत हुई है या फिर जो उसने हमला किया? हमला किया उसने, नहार ने मुंह फाड़ा वो जो वहाँ करी से, इसलिए वो घबराने घबराहट से भगे तो जाकर उनके प्राण कट गए। सुरेश चौबे नाम है सर। ए चौबे जी, आप एक डेड बॉडी लेके आए हैं, क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है सर, वो वहाँ जंगल में गए थे। कौन सी जगह? निबोदा, निबोदा की जंगल में गए थे, तो वहाँ पे कुल्हाड़ी लेके गए थे नहाने धोने के लिए, कि वहीं से जंगल से लकड़ी भी लाएंगे, जो बात है सो सत्य है, तो वहाँ उनके लिए शेर दिखा, जो उसने मुंह फाड़ा तो जे वहां से भागे, वहां से भागे से भागते भागते गिरते उठते उनकी मौत हो गई। यानी कि उसने हमला किया है? हाँ हमला किया सर, यहाँ हाँ जो मुंह फाड़ा तो वहां से ये डर के एकदम से भागे, और उनमें वैसे निशान भी अब लगा भी है, कुछ शरीर से खून भी निकल रहा है, खून तो कम से कम आधी किलोमीटर दूर ऊपर से ऊंचाई से आया है, जंगल पे से, जंगल ऊंची टोरिया थी पहाड़ पे से, आज पौने किलोमीटर होगा, वहां से खून गिरते गिरते नीचे आके इनकी मौत हुई। ऐसी घटना और पहले भी हुई है क्या वहां पर? नहीं, हाँ सर हुई है ना घटना, मतलब बकरियां टोल रहे है और पशु है, जैसे गाय वगैरह है तो जे भी टोड़ता है वहां पर शेर रहता है,
ये बात सत्य है, और भी गांव वालों ने बताया वहाँ मौका भी। आप लोगों ने फॉरेस्ट विभाग को सूचना ही दी जी सर? नहीं साहब जी, जब घटना आई।